पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में गर्मियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब महकमे मौसमियात के पेशन गोई के मुताबिक वादी में आगे आने वाले दिनों में जो है हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। महकमे मौसमियात के पेशन गोई के मुताबिक आज शाम से ही वादी के कई अजला में बारिश हो सकती है। आपको बताएं, वादी के साथ साथ जम्मू डिवीजन के कई अजला में बारिश हो सकती है। आपको बताएं, पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में अमरनाथ श्रद्धालु जो है वो वादी कश्मीर वारिद हुए हैं और लगभग 70,000 के करीब अमरनाथ यात्रा जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि महकमे मौसमियात की तरफ से एक तरफ से पेशन गोई ये है कि 9 तारीख को जो हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगर बूंदाबांदी हो सकती है तो अमरनाथ शाही जो होली केव है वहां तक जो ट्रैक है, क्या उसमें कोई असर पड़ सकता है इस बारिश से? इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुमने उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक और सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रابطہ करें। ये देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल के लिए जो वेदर ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि इस जो बारिश से कोई असर इस ट्रैक पे नहीं पड़ सकता है। कुल मिला के जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले दिनों में जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। क्या कुछ मजीद तफसीलात है, हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद। तफसील जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मौसमी सूरत हाल रहेगी। अभी मानसून का पीरियड चल रहा है और अमूमन वेदर जो है क्लाउडी रह रहा है, साथ साथ में लेट आफ्टरनून टुवर्ड्स इवनिंग जो है शावर्स हो रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग जो है बारिशें हो रही हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और यहाँ वादी के भी बेशतर इलाकों में। तो हल्की बारिशें उससे ज़्यादा हो नहीं रहा है यहाँ वैली के अंदर, और कमिंग डेज़ में भी बारिशों का चांस है। आज भी जो है टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग जो है एक शावर होने का चांस है, टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग में भी बारिशों का चांस है। तो 8-9 के बीच में भी दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, यहाँ हल्की बारिशों के चांसेस हैं खासकर वैली के अंदर और वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। बाकी जनरली क्लाउडी और ओकेजनली सनी भी रहने के चांसेस हैं। फार्मर्स के लिए फ़िलहाल स्प्रे वगैरह ना करें। 10 तारीख से ही मौसम जो है अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं, तो उसी बीच स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। यात्रा अभी चल रहा है बिल्कुल स्मूथली, ऐसे कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है एक्सेप्ट जम्मू डिवीजन। तो बाकी हमारा फोरकास्ट जो है नाउकास्ट वगैरह सारा कुछ चल रहा है। थैंक यू।